नमस्कार, एमएचवन न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं उर्वशी जैना और आप देख रहे हैं अपना खास कार्यक्रम जय शनि महाराज। जी हां, हमेशा की तरह इस कार्यक्रम के माध्यम से जहां चर्चा करेंगे आने वाले 40 दिन क्यों हैं, जहां आपको सावधानी बरतनी है, आप ऐसे कौन से उपाय हैं जिन्हें कर सकते हैं आने वाले इन 40 दिनों में। साथ ही साथ चर्चा करेंगे शनि का राशि परिवर्तन, होरा शास्त्र के अनुसार 12 राशियों पर क्या दिखाएगा असर, 12 राशियों की चर्चा और बहुत सारी चर्चाएं जो हमारे जीवन के लिए उपयोगी साबित होंगी। हम नमन करना चाहेंगे हमेशा की तरह शनि धाम से हमारे साथ जुड़ चुके हैं परम श्रद्धेय परम पूजनीय श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर परमहंस दाती जी महाराज का। बाबा जी आपके कमल चरणों में कोटि कोटि नमन है, हार्दिक अभिनंदन है एमएचवन न्यूज से जुड़ने के लिए। बाबा जी सबसे पहले बात मैदिनी ज्योतिष की करना चाहेंगे, क्या कहते हैं जो ये आने वाले 40 दिन है और क्या कुछ राष्ट्र के लिए कैसी जो ये युतियां बन रही हैं, अगर हम ज्योतिषीय समीकरणों की बात करें तो हमारे लिए राष्ट्र के लिए विश्व के लिए ये समय क्या इंगित करता है। प्रणाम माते, प्रणाम प्रणाम और संपूर्ण राष्ट्र को पुनः एक बार मेरी ओर से नमा नारायण। माते बहुत सूक्ष्म विवेचन रखने जा रहा हूँ मैदिनी ज्योतिष के अनुसार, लेकिन उससे पहले एक बात कहना चाहता हूँ। राष्ट्रवासियों से मेरी प्रार्थना है कि कहीं भयभीत भ्रमित और भ्रांति में नहीं गुजना है। ये ज्योतिषीय गणना है और मेरा अनुभव है, मैं प्रजापिता ब्रह्मा नहीं हूँ। मैं अपने शोध अपने संपूर्ण साधनाओं के बल पर जो भी मुझे महसूस होता मैं आपके सामने रख रहा हूँ। मानना नहीं मानना आपका काम है, जो गणना है इस समय है वो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। इस समय सूर्य और राहु वृश्चिक राशि में है, राहु और सूर्य का साथ, मंगल धनु राशि में, बुध और शुक्र शनि तुला राशि में, बृहस्पति और केतु वृषभ राशि में, सूर्य बुध शुक्र और शनि का राहु से द्विद्वादश योग, दोबारा योग, सूर्य मंगल राहु का द्विद्वादश योग, सूर्य राहु और बृहस्पति का समसप्तक योग, मंगल बृहस्पति और केतु का षडाष्टक संबंध और बुध बृहस्पति शुक्र और शनि का षडाष्टक संबंध, ये मैदिनी ज्योतिषीय गणना है और ये गणना आने वाले 40 दिनों के लिए मेरे अनुभव के आधार पर अनुकूलता का संकेत नहीं दे रही है, सावधानी बरतनी भी। राजनीति की जबरदस्त उठापटक का सामना करना पड़ सकता है, अनहोनी या प्राकृतिक प्रकोप की घटनाएं घट सकती है। जिस तरह के घर योगायोग है जो मैं समझ रहा हूं, जिस तरह की घर गणनाएं हैं, उन गणनाओं के आधार पर आने वाला समय थोड़ा सा सावधानी का है। जैसे मैंने कहा कि राजनीतिक उठापटक, राजनीतिक घटनाएं, राजनीतिक परेशानियों के साथ साथ प्राकृतिक प्रकोप का भी सामना करना पड़ सकता है। बहुत जरूरी मेरी बात पर ध्यान से सुनना और बहुत जरूरी है मेरी बात को सावधानी से सुनना, क्योंकि ये समय जो है ये गणनाएं शासन को अनावश्यक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। सांप्रदायिक सौहार्द में कमी की संभावना है, सत्ता और विपक्ष में आरोप और प्रतियोग का दौर बढ़ेगा, सुरक्षा को लेकर कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ सकता है, भूकंप भूस्खलन आग दुर्घटना में बढ़ोतरी है, क्योंकि जिस तरह के राहु और मंगल का पुनः संबंध बन रहा है ये ठीक नहीं, और सूर्य राहु के साथ में है, शासन को परेशानी है, पर विशेषकर पड़ोसी सीमाओं पर हल्की सी चूक हादसे का कारण बन सकती है। शेयर मार्केट को समझना व्यापारियों की बस की बात नहीं रहेगी, शेयर मार्केट शाम सीढ़ी का खेल खेलता हुआ नजर आएगा। ये नक्षत्र, ये मैदिनी गणना घुसपैठ आतंकवाद हिंसा जैसी घटनाओं को भी संकेत दे रही, हमें सावधानी बरतनी होगी ये 40 दिन तक। मेरा खाली इतना कहना है कि ये मेरा अनुभव है, इस पर जरा विचार करें, शोध करें, और जैसे कि हम लोग सलाह देते हैं कि भाई सर्दी है गर्म कपड़े पहने, ऐसी मैं गणनाओं के आधार पर सलाह दे रहा हूँ कि ये समय सावधानी का है, हमें सावधानी बरतनी पड़ेगी। 12 राशि के लोग क्या सावधानी बरते ये मैं बताऊंगा, और कोई परेशानी है तो क्या उपाय ये भी मैं बताऊंगा, लेकिन सेकंड ओपिनियन आपका अधिकार है और सेकंड ओपिनियन लेना गुनाह नहीं है, ये मेरे विचार हैं और मैं अपने विचार किसी पे लादता नहीं हूं, इस बात का जरूर ध्यान रखें। नमन नारायण। बहुत बहुत शुक्रिया दाती जी महाराज, और आपने हमेशा ही समय समय पर आपने अनुभव की बात कही, आपका अनुभव तो बहुत लंबा है, 40-45 वर्षों से आप इस कार्य में लगे हुए हैं, जन कल्याण के कार्य हैं, आज शनिधाम ट्रस्ट चला रहे हैं, ना जाने कितने बेसहाराओं का सहारा बने हुए हैं आप। और जहां तक आपकी गणनाओं की बात है, गणनाएं आपकी हमेशा अक्सर सही ही जाती हैं, हम तो न्यूज वाले हैं अक्सर खबरों में पढ़ते हैं बाद में वहां भूकंप आ गया, वहां बाढ़ आ गई, वहां प्राकृतिक आपदा है, कुछ इस तरह की हवाई दुर्घटनाएं हुई या हिंसा की घटनाएं सामने आई, तो ये चीजें जो है
ज्योतिष शास्त्र की बात करें, मेदिनी शास्त्र की, होरा शास्त्र की, जो गणितीय आकलन है, ये वाकई सचमुच मनुष्य के जीवन की बात करें तो अक्सर प्रभाव डालता है, और आपकी गणनाओं की बात करें तो वो भी काफी सटीक मिलती है। तो चलिए दर्शकों, ये डराने का मकसद नहीं है, ये सही बताने का हमारा एक उद्देश्य है। आपके जीवन को सही दिशा देने का प्रयास करते हैं दाती जी महाराज इस कार्यक्रम के माध्यम से। वो आपकी कुंडली का अवलोकन करते हैं, इस कार्यक्रम का आप हिस्सा बन सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं, अपनी कुंडली के बारे में बतवा सकते हैं उनसे कि आपका आने वाला समय कैसा है, और यदि त्रुटियां हैं तो उन त्रुटियों को कैसे दूर करें। दाती जी महाराज बताएंगे आपको खास उपाय। आप इस कार्यक्रम से जुड़े रहें और अपने फोन भी मिलाते रहें, हो सकता है आपका फोन हमारे स्टूडियो में पैच हो जाए। बाबा जी, इसी कड़ी में हम पहली कॉल लेना चाहेंगे सुखविंदर सिंह जी की, जो कि जालंधर पंजाब से जुड़ चुके हैं। सुखविंदर जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। उनका संपर्क टूट चुका है। हम अपने कॉलर से निवेदन करना चाहेंगे, जब आपका फोन पैच हो जाता है अपने टीवी की आवाज कम कर दें, और साथ ही साथ और जब आप हमसे बात करते हैं तो हो सके तो टीवी वाले कमरे से दूर जाकर बात करें। तो चलिए, जहां पर चर्चा चल रही है कि मेदिनी के अनुसार तो हमने जाना कि राष्ट्र के लिए कहीं ना कहीं थोड़ा सा मुश्किलों का समय, लेकिन मुश्किलों से उबरना भी हो सकता है संभव, और साथ ही साथ अब चर्चा करते हैं जगत पर, जीवन पर, मनुष्य जीवन पर जो है होरा शास्त्र का, शनि का ये राशि परिवर्तन आपके जीवन में, आपको क्या क्या सावधानियां बरतनी है और कौन से कर सकते हैं आप खास उपाय। तो बाबा जी, हम चाहेंगे शुरुआत करना पहली तीन राशियों के साथ, यानी कि चर्चा करेंगे मेष, वृषभ और मिथुन राशि के जातकों के लिए। बात करते हैं, क्योंकि इस समय सूर्य वृश्चिक राशि में और सूर्य का तुला राशि में विराजमान शनि से द्विद्वादश योग है, राहु साथ में है, और तुला राशि में शनि और सूर्य वृश्चिक राशि में, ये वापस कॉम्बिनेशन 30 साल के बाद आएगा। और ये 40 दिन जो मैं कह रहा हूं वास्तव में सावधानी के, क्योंकि राहु से पीड़ित सूर्य द्विद्वादश योग, मंगल का द्विद्वादश योग जो ठीक माना नहीं गया है। होरा शास्त्र के अनुसार मेष राशि वालों, धन के लेन देन को सोच समझ कर करें। इस समय नया पूंजी निवेश मेष राशि वाले न करें। अनावश्यक मध्यस्थता से मेष राशि को बचना है। स्वास्थ्य पे थोड़ा सा ध्यान देना है और यात्रा में विशेष सावधानी बरतनी है। ये 5 बातें हैं मेष राशि वालों को सावधानी बरतनी। और मेष राशि वालों, इन 40 दिनों में कहीं कोई परेशानी आती है तो छोटा सा उपाय है, किसी भी कार्य को शुरू करने से पूर्व मीठी वस्तुओं का सेवन करके कार्य प्रारंभ करेगा, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तांबे के लोटे में गंगा जल और जल भरकर पूर्व दिशा की अपने घर में रख दीजिए और सुबह किसी पेड़ में डाल दीजिएगा, घर में परेशानी नहीं आएगी और कष्ट छुटकारा मिलेगा। मेष राशि वालों, यदि संकट मोचन हनुमान अष्ट का लगातार 40 दिन सुबह और शाम 7 पाठ करते हैं, कैरियर, कारोबार, व्यवसाय संबंधी संपूर्ण परेशानियों का निवारण होगा और जीवन खुशियों से भर जाएगा। नमोनारायण। और बात करते हैं वृषभ राशि। वृषभ राशि का स्वामी शुक्र और शुक्र में इस समय वृषभ राशि में बृहस्पति का प्रवेश है, और जिस तरह के ग्रह योगायोग, सावधानी क्या बरती। वृषभ राशि वालों को 4 बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। 1, संतान पक्ष पर विशेष ध्यान दें, मानसिक दबाव से बचे, साझेदार के मामले को लेकर आपकी आपसी व्यवहार को लेकर विशेष सावधानी, और चौथा है जोखिम भरे पूंजी निवेश में बुजुर्गों की सलाह अवश्य ले। इन 4 बातों का ध्यान रखेंगे तो ये 40 दिन आपके लिए शुभ और मंगलमय रहेंगे। क्या उपाय करें वृषभ राशि वालों, लगातार चांदी का चकोर टुकड़ा, लगातार 41 चांदी का चकोर टुकड़ा घर की भूमि में दबा दीजिए, ईशान कोण में, बहुत अच्छा रहेगा। श्रद्धानुसार लगातार 40 हर रोज श्रद्धानुसार चावल गरीब को दान देना आपके लिए कल्याणकारी रहेगा। ये उपाय करके देखिएगा आपका कल्याण, आपकी जीवन की संपूर्ण परेशानियों का निवारण होगा। नमन। बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि वालों, बहुत सुंदर जो बात कहना चाहता हूं वो है कि इस समय अनावश्यक कानूनी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए कानूनी पचड़ों में नहीं पड़ना। मेरे बात को ध्यान से सुने, क्योंकि आपको 7 बातों का ध्यान रखना। पूंजी निवेश में सावधानी, धन का उधार देने में नुकसान आपको है, जीवन साथी के मनमुटाव है, स्वास्थ्य संबंधी समस्या का सामना करना पड़ सकता है, सरकारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, पारिवारिक सुख में कमी और अनावश्यक कानूनी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ये 7 बातों पर मिथुन राशि को ध्यान देना है। प्रॉब्लम है समाधान में हो ना। हर बुधवार को स्वागत स्त्री को हरे वस्त्रों का दान दे या हरी चूड़ियों का दान देते हैं तो मिथुन राशि वालों के शुभ और कल्याणकारी रहेगा। और एक बात और देखिए, यदि कैरियर, कारोबार या व्यापार में कहीं कोई परेशानी है तो हर रोज गाय को हरा पालक अपने हाथ से खिला के देखिएगा, वो बारा पति है। मेष, वृषभ, मिथुन राशि को आने वाले 40 दिनों में क्या सावधानी बरतनी और प्रॉब्लम है तो क्या उपाय, मैं बता रहा हूँ आपके हर सवाल का जवाब देने के लिए मैं तैयार हूँ। मेरा विश्वास करिएगा, मैं आता ही आप लोगों के लिए हूँ। कुछ नहीं चाहिए, आपकी पीड़ा चाहिए, आपका दर्द चाहिए, फकीर हूँ, आपकी सेवा में लगा रहता हूँ। और मैं हमेशा एक बात कहता रहता हूँ कि प्रयास करता हूँ और परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि मेरा प्रयास आपके काम आए। नमो नारायण।
बहुत ऊंची सोच है बाबा जी, और आपकी आंखों में ये सोच दिखती है आपके विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से। जब हम आपकी बातों का श्रवण करते हैं तो अक्सर ये बात हमारे सामने आती है, वाकई आप समाज को सुधारना चाहते हैं, सुंदर ढंग है, बहुत सुंदर। दोस्तों ये कार्यक्रम ऐसा है जहां पर आप दाती जी महाराज से अपने जीवन की बात उनके सामने रख सकते हैं और जान सकते हैं कि आप अपने जीवन को कैसे सुंदर बनाए। बहुत सारे कार्यक्रम है, उनकी सूची बाद में बताएंगे। मधु जी आपकी कॉल लेते हैं, चंडीगढ़ से जुड़ चुकी हैं हमारे साथ, नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है जी। मैं अपने बेटे के बारे में पूछना चाहती हूँ जी। तो उसका है जन्म 4 फरवरी 1989 जी, चंडीगढ़ का बर्थ है, टाइम बोल दें। और ये क्या है कि वो गवर्नमेंट जॉब टाइम 11:35 दोपहर के जी। तो ये गवर्नमेंट जॉब 4 तारीख को इंटरव्यू हुआ, सिलेक्शन हो जाएगी। एक उसकी सेहत के बारे में भी बताना। क्या आपके बच्चे की एजुकेशन है? सिविल इंजीनियरिंग की हुई उसने ना, सिविल में की हुई है इंजीनियरिंग, ठीक है जी। बाबा जी इनकी बेटे की डेट ऑफ बर्थ है 4/2/89 बॉर्न है, 11:35 दोपहर का जन्म है यानी सुबह का, और चंडीगढ़ बॉर्न है। क्या कहते हैं आगे उनके आने वाले समय, क्या इनकी गवर्नमेंट जॉब में कहीं योग नजर आ रहे हैं? गणनाओं की बात करूं तो जून 2013 तक थोड़ी सी उठापटक है, जून 2013 के बाद जॉब की संभावनाएं बढ़ जाएगी, चाहे प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट जॉब हो, जॉब जरूर मिल जाएगी। लेकिन इस समय जून तक थोड़ी सी परेशानी है। छोटा सा उपाय, बहुत सुंदर उपाय, हर रोज 700 ग्राम जौ रात में भिगो दे और सुबह अपने हाथ से गाय को खिला दे और लगातार ये 40 दिन करें, ईश्वर ने चाह समस्याओं का निवारण हो जाएगी। ये अद्भुत उपाय है जो आपके बच्चे के कैरियर और नौकरी संबंधी परेशानी करने, और जिनको भी कैरियर या नौकरी में कोई परेशानी है, लगातार 40 दिन रात्रि में 700 ग्राम जौ पानी में भिगो दे, सुबह वो जौ गाय को अपने हाथ से खिला दे, आप करके देखेगा कैरियर संबंधी संपूर्ण परेशानी का निवारण हो जाएगा। नमोना है, शुक्रिया दाती जी महाराज इनके बेटे का अवलोकन करने के लिए कुंडली का। लेकिन उससे पहले हम अपने दर्शकों को बता दें कि दाती जी महाराज के विभिन्न कार्यक्रम आप हमारे तीनों ही चैनल्स के माध्यम से देख सकते हैं। MH1 म्यूजिक पर सुबह 6 बजे दाती गुरु मंत्र कार्यक्रम देख सकते हैं। श्रद्धा MH1 पर रात्रि 11:40 से 12:10 पर 12:10 पर दूसरा कार्यक्रम आरंभ होता है, यानी 11:30 से 12:30 के करीब आप दाती जी महाराज के कार्यक्रमों का पूरा लाभ ले सकते हैं श्रद्धा MH1 पर। और न्यूज चैनल पर आप प्रत्येक शनिवार सुबह 12:30 से 1:30 तो हमारे साथ लाइव रहते हैं बाबा जी, और साथ ही साथ सुबह 7:15 और रात्रि 11:30 दाती गुरु मंत्र कार्यक्रम आप पूरा इसका लाभ उठा सकते हैं। तो चलिए अपनी अगली कॉल लेते हैं। हेलो, लक्ष्मी जी नमस्कार। नमस्ते जी। जी गुरु जी से एक प्रश्न पूछना था। कमल वधवा जी है मेरे पति, समय उनका 6:30 है, सोनीपत हरियाणा। टाइम और महीना साल बता दें। हाँ जी, महीना 13/11/1973। अच्छा, पूछे प्रश्न करें आप। बस उनको आगे उनके फ्यूचर के लिए कुछ बता दे, सही सब कुछ बढ़िया रहेगा, ठीक रहेगा। क्या करते हैं आपके पतिदेव? बिजनेस है उनका। किस चीज का? उनका बवाना में फैक्ट्री है। फैक्ट्री किस चीज की है लक्ष्मी जी? स्कूटर के स्पेयर पार्ट्स की। स्कूटर के स्पेयर पार्ट्स की है जी। हाँ जी। दाती जी महाराज अपने पतिदेव के बारे में जानना चाहती हैं। 13/11/1973 का जन्म है, सुबह 6:30 का, सोनीपत हरियाणा बॉर्न है वो जी। इस समय की गणनाओं की बात करें, क्योंकि गणनाएं मेरे सामने हैं, 13 नवंबर 1973 6:30 का जन्म और सोनीपत का जन्म है, वृषभ लग्न है, मंगल इनकी 12वें है, चंद्र शनि केतु दूसरे घर में, सूर्य तुला राशि का, बुध के साथ 6ठे घर में, और राहु और शुक्र इनके 8ठे स्थान में। और यदि केंद्र की बात करें तो केंद्र खाली है, लग्नेश शुक्र के साथ 8ठे घर में, और गणनाएं अभी इतनी अनुकूलता का संकेत नहीं दे रही बिटिया, प्रॉब्लम तो है। छोटा सा उपाय करना शुरू कर दो, पहले तो हर रोज अपने पति को बोलो अपने घर में हर रोज रात्रि में घी का दीपक जलाकर सिद्ध कुंजी का स्त्रोत 11 पाठ हर रोज जाप करें, प्रातकाल नित्य कर्म से निरोध स्नानों उपरांत लगातार 40 दिन गाय का कच्चा दूध कंजकों को 700 ग्राम 7 किलो 1.25 किलो जो भी आपकी श्रद्धा है, कंजकों को 700 ग्राम दूध या 1.25 किलो दूध अपनी श्रद्धा अनुसार कंजकों को बांट दे और लगातार 40 दिन करें, आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। ये समय गणनाओं के हिसाब से अच्छा माना नहीं गया है, थोड़ी सी सावधानी। एक बात और कहना चाहता हूँ जो बहुत जरूरी है आपके पति के लिए, फिकल माइंड निर्णय लेने की क्षमता थोड़ी सी कमजोर की है, उसको ठीक रखें, और पारिवारिक रिश्तों में थोड़ा सा ध्यान देने का समय इस समय है, वो ध्यान जरूर दे, अच्छा रहेगा। नमोना है।
आपसे एक बात जरूर कहना चाहेंगे लक्ष्मी जी, आप अपने पतिदेव को कहिए क्योंकि उनका स्कूटर पार्ट्स के रिपेयर पार्ट्स से संबंधित जो फैक्ट्री है तो वो शनि से संबंधित कार्य होता है और वो शनि को अक्सर मानते भी होंगे, और कभी कभी महीने में जैसे आप बांध लें कि आप शनि धाम भी जरूर जाएं क्योंकि एक ऐसा धाम है जहां पर शनि देव की प्रतिमा जो है करीब 51-52 फुट ऊंची जो ये प्रतिमा है, कहते हैं शास्त्रों में लिखा हुआ है कि 8 फुट से ऊंची प्रतिमा के दर्शन करना बड़े सौभाग्य की बात है, और ये तो 52 फुट के करीब जो प्रतिमा ऊंची है शनि देव की, उसके दर्शन करने की सोचे जो बुरा समय है। बाबा जी ने बहुत सुंदर उपाय बताए हैं, ये भी उन उपायों में से एक है जो बाबा जी अक्सर कहना चाहते हैं, लेकिन हम उनकी तरफ से जरूर कहते हैं कि भगवान के दर्शन करने से बहुत आपके जो बुरे कर्म है उनकी निर्जरा होती है। तो आपके पतिदेव का तो काम भी शनि देव से संबंधित है, तो जरूर जरूर महीने में एक नियम बनाए और दर्शन करने अवश्य जाए। इससे पहले कि हम आपकी अगली कॉल लें, हम चर्चा करें आगे की राशियों का जिक्र करें, हम यहां पर इस कार्यक्रम में रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे दाती जी महाराज के साथ, जुड़े रहें आप MH1 न्यूज के साथ।